हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके? और उम्मीद करता हूं आपको मेरी आवाज आ रही होगी। तो अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप कंफर्म कर दें। तो हम आज का सेशन, जिसका टॉपिक है इरडा डिफेंस, उसके बारे में बात कर लेंगे। हेलो हेलो, आ रही है। चलिए ग्रेट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम इडा शेर की ही बात करें तो आज आप लोगों ने इडा शेर में क्या देखा, बताइए क्या देखा? क्योंकि आज उसमें एक न्यूज है और न्यूज की कहानी है कि भैया 4,500 करोड़ जुटाने का प्लान कर रही है कंपनी, और इस न्यूज पर 10% की तेजी देखी। तो वहां पर सबसे पहले इडा का चार्ट ही मैं आपको दिखा देता हूं, जिससे कि प्राइस एक्शन क्या कह रहा है आपका पॉइंट क्लियर हो जाए, और प्लस आप लोग गलत ट्रेड कैसे करते हो वो दूर हो जाए। एक बड़ी सिंपल सी कहानी है, वो ये है। ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूं आपके सामने। इडा का चार्ट मैं सेट कर रहा हूं, ये देखो। कुछ नहीं करना है, अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 दिन से इडा साइडवेज मूव में फंसा हुआ था। नमस्ते 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 एवरीवन, नमस्ते। तो 12 दिन से क्या हुआ, इडा एक साइडवेज मूवमेंट में फंसा हुआ था, कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। फाइनली आज मूवमेंट हुई और इस बक्से से इडा बाहर निकला। दैट मीन्स 253 इसका एक अब सपोर्ट हो चुका है। ये है फिलहाल इडा की कहानी, इसके अलावा की कोई कहानी नहीं, और ये तेजी न्यूज पे हुई है। तो दिस इज कॉल्ड प्राइस एक्शन जो आप देख रहे हो। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, जिनको समझ नहीं है वो बीच में लेकर बैठे रहते हैं। तो एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे में उनका स्टॉप लॉस हिट होता रहता है, और उस स्टॉप लॉस हिट में उनको नुकसान हो जाता है। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर हमें, जब ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करते समय हमेशा देखना चाहिए कि कोई ब्रेकआउट हो रहा है क्या, चाहे वो ऊपर का ब्रेकआउट हो या नीचे का हो। जैसे अगर आपको पता हो तो निफ्टी के बारे में हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो आप लाइव समझ पाओगे कि ये निफ्टी था। और निफ्टी बक्से में कैसे था, ये देखो, ये पूरा बक्सा था, और ये बक्से का हाई कितना था, 24,563, जहां से निकला और फिर ये ब्रेकआउट हुआ 24,700 का, फिर निकला। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर ट्रेडिंग होती है। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप किसी भी स्टॉक में जब ट्रेड करते हो और वो साइडवेज जोन में है, कभी उसमें उंगली मत कीजिए, क्योंकि वहां पर ऑपरेटर स्मार्ट मनी अपने पैसे को लगा रहा होता है और आपको ये पता नहीं होता है चलेगा किधर। और चूंकि आपके पास पैसा कम होता है तो आप अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज अपना जो पैसा आप लगा रहे हैं, कर रहे हैं, ब्रेकआउट स्टॉक में लगा। जैसे कि आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़े होंगे तो मोस्टली आईटी स्टॉक ब्रेकआउट पे थे, तो हमने आपके साथ शेयर किया। पूरे 3 दिन तक ब्रेकआउट का मजा मिला और स्टॉक वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन फटते गए और पैसा बनता गया। तो दिस इज द रियल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, जहां पे आई विल रिक्वेस्ट कि आप कैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हो, प्लीज अभी अभी का अभी होमवर्क कर लो, और मैंने जो बात बताई उस पे आप होमवर्क कर लो, आपको दोनों का फर्क दिख जाएगा। और दोनों का फर्क दिख जाएगा तो उसी समय से आपकी ट्रेडिंग, स्टॉक सिलेक्शन आसान हो जाएगा। और आप इधर उधर जो, अगर किसी ने कुछ भी बताया और आपको वो दिख रहा है कि स्टॉक साइडवेज फंसा हुआ है, तो आप उसमें ट्रेड नहीं करोगे। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऐसे आपकी ट्रेडिंग को आसान कर सकता है और आपको बेहतर कर सकता है, राइट है? चलो अब हम आते हैं एडा पे। एक चीज और बता देता हूं, 25 अगस्त से हमारी स्मार्ट मनी स्टॉक मार्केट क्लास शुरू हो रही है। अगर आपने सीट बुक नहीं किया हो तो 9708094321 पे कॉल कर लो, हमारी टीम से बात कर लो। इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सब हम सिखाएंगे, इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सब सिखाएंगे। इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन कहीं भी ट्रेड कर सकते हो। लेडीज के लिए ड्यू टू राखी सुपर स्पेशल डिस्काउंट है, आप ईएमआई से भी क्लास ले सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी ले सकते हो, ठीक है? तो ये सारी फैसिलिटी है, जहां पर दिन भर बच्चों की तरह मार्केट देखने की जरूरत नहीं है, इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, प्योर प्राइस एक्शन की पावर है। और मेरा काम
आपके सामने प्रूफ है। अगर मेरा काम नहीं देखा है तो प्लीज जरूर चेक करिए, मुकुल अग्रवाल मेरा नाम है, 19 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ, तो आपको मेरा काम दिख जाएगा। फेसबुक पे आप हो तो फेसबुक पे मेरी पुरानी वीडियो दिख जाएगी, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ 19 साल के एक पुराने इन्वेस्टर और ट्रेडर आपको सिखाएंगे विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जो इंडिया में कोई नहीं देता है, विद रिविजन क्लास। ठीक है, विद रिविजन क्लास, तो अनलिमिटेड बेनिफिट है, अनलिमिटेड चीज़ें, लिमिटेड सीट है, क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ें लिमिटेड लोगों को ही एक बैच में दे सकते हैं, तो मौका ना जाए। 9708094321 पे कॉल करके सीट बुक कर लीजिए, और स्टडी मटेरियल अभी का अभी ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है मैं लास्ट मोमेंट में बुक कर लूँगा। बिल्कुल सही है, बट स्टडी मटेरियल अभी से ले लेंगे, पढ़ के आएंगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि इंडिया में 1% लोग ऐसे हैं जिनका स्टडी मटेरियल कॉपीराइट है, यानी अप्रूव्ड है, और आपके भाई का स्टडी मटेरियल अप्रूव्ड है, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का नॉलेज हम देंगे तभी वो अप्रूव्ड स्टडी मटेरियल है। इडा के बारे में बात कर लें तो 10% की तेजी हुई है, क्योंकि कंपनी QIP राइट इशू और अन्य तरीकों से 500 करोड़ रुपीज जुटाने की योजना बना रही है। 29 अगस्त को बैठक बुलाई गई है, ठीक है, ये ऑफिशियल है कहानी है। आपको पता है मिनी रत्न कंपनी है और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के अंदर में ये कंपनी आती है, ये भी पता है, और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और उससे जुड़ी बिजनेस एक्टिविटी को ये क्या करती है, फाइनेंस देती है। ठीक है, फाइनेंस देती है। 70,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है मोटा मोटा। इडा, आई होप आप लोगों ने अच्छा, किस किन के पास IPO के टाइम से इडा है या उसके बाद है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, तो हमें भी पता चल सके। और वहां पर अगर हम जून तिमाही में इनका नेट प्रॉफिट देखें एनुअल बेसिस पर, तो 30% इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू 32% इंक्रीज हुआ है। तो ये जो पैसा रेज करें, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से पॉजिटिव हुआ, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से पॉजिटिव हुआ। तो बट याद रखिएगा कि जो अभी तेजी आई है वो न्यूज बेस आई है, ये कभी मत भूलिएगा, ठीक है। और अभी इसमें पैसिव म्यूचुअल फंड की तरफ से खरीदारी भी हुई है, वो भी एक एडिशनल फैक्टर है जिसने तेजी को सपोर्ट किया है। ये आपको समझना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि जैसे इरडा का चार्ट जो मैंने अभी दिखाया था, तो मैंने क्या बोला था कि चार्ट देखो साइडवेज पर आया, यानी चार्ट डेड था, चार्ट में कोई खास मूवमेंट नहीं थी। चार्ट अगर देखो तो 310 के हाई से जाकर 234 का लो तक लगा चुका था, ठीक है। तो ये फर्क समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर कंपनी भविष्य के लिए कर रही है, सब कुछ कर रही है, बट अभी कहां क्या है ये बताना जरूरी था। तो आई होप इरडा का पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा, राइट? और कोई सवाल हो इडा से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं।